अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ माय 60 मिनट अफ्तारी। और मैं सबसे पहले बना रही हूँ मीठा, और मीठे में बना रही हूँ दूध दुलारी। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत सिंपल और आसान सी है। मैंने 1 किलो ले लिया है दूध, 1 कप डाला है मैंने चीनी, और कलरफुल डाला है मैंने फालूदा सवैया। इसको मैं पका लूंगी अच्छे से, और पकने के बाद मैं इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कस्टर्ड और उसको मैं थोड़े से दूध के साथ मिक्स कर लूंगी, 2 से 3 चम्मच ले लूंगी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कस्टर्ड। इसको मैं देख लूंगी मुझे कितनी थिकनेस और थिननेस चाहिए, मुझे ज्यादा थिक नहीं चाहिए। अब मैं इसको रख दूंगी थोड़ी देर ठंडा करने के लिए, जब तक मैं करूंगी अपनी बाकी चीजों की प्रिपरेशन। और आज मैं बना रही हूँ आपके साथ बहुत मजे मजे की चीजें, और उसकी मेरी नेक्स्ट स्टेप है चीजी ब्रेड रोल, और आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने डाल दिया है, सबसे पहले हम इसकी ड्रेसिंग तैयार कर लेते हैं। जो फीलिंग हम तैयार करेंगे उसके लिए मैंने ले लिया है चिकन, और मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसमें मैंने डाल दिया है चॉप करके कैबेज और शिमला मिर्च, और बारीक बारीक चॉप कर लिया। मैंने इसमें डाला है नमक और ब्लैक पेपर और सोया सॉस 2 चम्मच, नमक मैंने डाला है टेस्ट के मुताबिक, और आधी चम्मच डाली है मैंने सॉल्ट, ब्लैक पेपर, और मैंने डाला है इसके अंदर पेपरिका आधी चम्मच से कम, जो मैं अभी थोड़ी देर में डालूंगी। और पेपरिका का अपना टेस्ट है, जिसकी आप डालेंगे तो आपका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छी सी मेरी फिलिंग तैयार हुई थी, और बहुत ज़बरदस्त सा मेरा ब्रेड रोल चीज़ी ब्रेड रोल बने थे। और आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। और मैं बना रही हूँ चीज़ी बॉल्स, और जी हाँ, आज बन रहे हैं 60 मिनट अफ्तारी में चीज़ी अफ्तारी। तो चीज़ी अफ्तारी में मैं बनाऊंगी चीज़ी बॉल्स। इसमें मैंने डाल लिया है पोटैटो मैश करके, सॉल्ट डाला है, लाल मिर्च डाली है आधी चम्मच, और मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मिक्स अच्छे से आप हाथों से ही कर सकते हैं, और हाथों का इस्तेमाल करते हुए मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। ये रही मेरी फीलिंग, और ये है ब्रेड रोल के लिए जो मैंने फीलिंग तैयार की थी, उसी फीलिंग को मैं इसमें इसके चिकन पीसेस लेकर मैं इसमें डालूंगी बॉल्स में। और मैंने पहले से सारी प्रिपरेशन करके रखी है, मैंने चीज़ को कटिंग कर ली है क्योंकि मुझे पेरी पेरी चिकन भी बनाना है, चीज़ी ब्रेड रोल भी बनाना है, और चीज़ी बॉल्स भी बनाने हैं। तो मैंने इसमें चीज़ ऐड करके इसको बॉल्स बनाकर इसी तरह रख लिया, और मैंने इसी तरह मैं सारे अपने चीज़ी बॉल्स बनाते जाऊँगी। बहुत टेस्टी, बहुत अच्छे और बहुत लाइट बने थे। आप बिल्कुल भी यकीन कीजिए, ये हैवी नहीं थे। चाहे ये चीज़ी बॉल्स हों या फिर ब्रेड रोल्स हों, और पेरी पेरी चिकन आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बने थे, बिल्कुल जैसे आप नैंडूज में खाते हैं। उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी मिर्चें नहीं थी, तो जो अवेलेबल थी तो मैंने उसी में बनाया, लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी। और मेरी चीज़ी बॉल्स तैयार हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने थे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आए होंगे। मैं बना रही हूँ पेरी पेरी चिकन की ड्रेसिंग कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे आपको बताया, मैंने चीज़ ऑलरेडी कटिंग करके रखा था, मैंने यहाँ पे कुछ चंक्स काट लिए थे चिकन के, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट लगाकर थोड़ा सा, और उसमें ब्लैक पेपर सॉल्ट डाल के मैंने उसको फ्राई कर लिया था, और जल्दी से ये चंक्स तैयार हो गए थे मेरे। मैंने इसकी ड्रेसिंग के लिए उसके अंदर चिकन डाला है, चीज ऐड की है, और इस तरह मेरी जो है पेरी पेरी की ड्रेसिंग तैयार हो गई है। और ज़्यादा बड़े बड़े मेरे पास जो है वो मिर्चें नहीं थी, तो इट्स ओके, टेस्ट मायने रखता है, और टेस्टी बहुत ज़्यादा बना था अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया था, उनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे इसके हवाले से। तो जब फैमिली को आपका खाना पसंद आए तो समझ लीजिए सारी मेहनत जो है वो आपकी हो जाती है पूरी। और चीज़ी रोल्स आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, वो बहुत ही अच्छे बने थे और बहुत ही टेस्टी बने थे। तो इसी तरह मैं अपनी सारी ये जो प्रिपरेशन है वो कर ले रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो है वो चीज़ी बॉल्स बना लिए हैं, और अब मैं पेरी पेरी चिकन की तैयारी कर रही हूँ। पेरी बाइट्स इसको एक्चुअली कहते हैं, पेरी बाइट्स की तैयारी कर रही हूँ। और ये मेरे आ गए चीज़ी रोल। मैंने एक पीस इसमें चीज़ का देखा आपने, मैंने चैटर चीज़ डाला है, और मेरी जो फीलिंग मैंने तैयार की थी उसी को मैंने इसमें ऐड कर दिया है फील करके। और ये देखिए मेरे सारे रोल्स तैयार हो गए इसी तरह, ज़बरदस्त से बने थे। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं कस्टर्ड की तरफ। मैं इसमें क्रीम डालूंगी, क्रीम ऐड कर दूँ अगर इसमें तो और यमी सा टेस्टी सा बन जाता है। और फ्रूट कॉकटेल जो होता है वो मैंने इसमें ऐड किया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं।
और बस हो गई मेरी दूध दुलारी तैयार, और बहुत मजे से टेस्टी बनी थी। और अब मैं इसको रख दूंगी डीप फ्रीजर में, क्योंकि मेरे पास टाइम है कम, आधा घंटा रह गया है। तो अब मैं इसको डीप फ्रीजर में रख दूंगी, तो यकीन जाने इतनी मजेदार ठंडी ठंडी चिल्ड सी बनी थी ये, और बहुत टेस्टी सी थी और बिल्कुल परफेक्ट। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी सारी चीजें प्रिपेयर करके रख ली है, तो एक तरफ हर चीज में इस चीजी सी अफतारी में मेरे मैं यहाँ पे सबकी कर दूंगी कोटिंग। तो मैंने दो अंडे ले लिए हैं, इसके अंदर सॉल्ट डाला है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला है, और इसको मैं तैयार कर लूंगी अपनी सारी ब्रेड रोल के लिए, चीजी बॉल्स के लिए, और पेरी बाइट्स की जो है वो कोडिंग के लिए। इसमें मैंने लिया है एक तरफ ब्रेड क्रम्स और दूसरी तरफ मैंने लिया है मैदा। 3 चम्मच मैंने मैदा लिया था और 3 चम्मच मैंने ब्रेड क्रम्स लिया था। बाद में मुझे ऐसी जरूरत नहीं पड़ी थी, तो मैंने सबसे पहले जो है वो डिप किया ब्रेड रोल को एग में, एग की अपनी जो है वो उसमें, और उसके बाद मैंने ड्राई जो बनाया है ड्राई बैटर में मैंने इसको डिप किया, फिर मैंने इसको लिक्विड बैटर में डिप किया, फिर मैंने इसको ड्राई बैटर में डिप किया, और इस तरह मेरी जो है वो सारे रोल, ब्रेड रोल्स जो है वो तैयार हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी फीलिंग को मैं अपनी जो है वो जो यही फीलिंग मैं यूज करूंगी अपने ब्रेड वो चीजी बॉल्स में। चीजी बॉल्स में डबल कोडिंग करूंगी, पहले लिक्विड बैटर में, उसके बाद ड्राई बैटर में, फिर लिक्विड बैटर में, फिर ड्राई बैटर में करके इसकी डबल कोडिंग करूंगी। और ये इतनी झटपट तैयार हो जाएगी, क्योंकि मैंने सारी चीजें पहले ही प्रिपेयर करके रख ली थी। तो उसका फायदा ये हुआ कि मैंने एक ही दफा लिक्विड बैटर और ड्राई बैटर ले लिया, और मैंने आराम से इसको कोट करके साइड कर दिया। और अब मैं अपनी चीज को छोटी प्लेटों में रख लूंगी, क्योंकि मैं इसको अब कवर करूंगी अपने पेरी पेरी चिकन को। पेरी पेरी चिकन को भी इसी तरह करूंगी, 2 टाइम मैं जो है वो डिप करूंगी, और इस तरह मेरी पेरी पेरी चिकन की भी हो जाएगी कोटिंग कंप्लीट। और यकीन जाने बहुत जबरदस्त और बहुत टेस्टी बनी थी। मेरी मिर्चें इतनी ज्यादा, मेरे पास मिर्चें नहीं थी अवेलेबल बड़ी बड़ी, अगर वो होती तो और ज्यादा खूबसूरत लुक आता मेरी पेरी पेरी चिकन की, पेरी बाइट्स की फेस का। और एक ये भी तरीका है कि मैंने मैदा और कॉर्नफ्लावर ले लिया है क्रिस्पी बनाने के लिए पेरी बाइट्स के लिए। तो मैंने 4 इस तरह बनाया था और 4 इस तरह बनाया था कि मेरे पास मैंने पहले अंडे वाले बैटर में डाला, फिर मैंने मैदे वाले बैटर में डाला, उसके बाद मैंने ड्राई बैटर में डाल के, और फिर मैंने इस तरह भी करके टेस्ट किया कि ये कैसे बने। तो दोनों ही अच्छे बने थे, लेकिन ज्यादा जो है वो मैदे और कॉर्नफ्लावर वाले में डाला था मैंने, तो वो क्रिस्पी और ज्यादा क्रंची बने थे। और अब मैं आ गई हूँ, मेरी सारी चीजें प्रिपेयर हो गई हैं, मैं फ्राई कर रही हूँ सबसे पहले अपनी पेरी पेरी चिकन, पेरी बाइट्स, सॉरी बार बार पेरी पेरी चिकन निकल जा रही है क्योंकि वो आदत होती है। पेरी बाइट्स मैं बना रही हूँ और ये बहुत ही टेस्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब सारी चीज़ें मैं फ्राई कर लूंगी अपनी। आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आ रही है और आप लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी करें। प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत कर रही हूँ, और जो है मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों को अच्छी लग रही है मेरी रेसिपीज, तो मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे व्लॉग्स को जो है वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हमारी 60 मिनट अफ्तारी बनी थी जल्दी जल्दी करके, और बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी चीज़ी अफ्तारी थी। चीज़ी ब्रेड रोल, चीज़ी ब्रेड जो है वो बाउल्स और जो पेरी बाइट्स बहुत ही टेस्टी बने थे, और दूध दुलारी यमी बनी थी, ठंडी ठंडी चिल हो गई थी बिल्कुल अफ्तारी के टाइम तक। बहुत मज़ा आया आज की अफ्तारी में। उम्मीद है आप लोगों को भी मेरी अफ्तारी पसंद आ रही होगी, मेरे साथ रहेगा और एंड तक मेरी जो है वो अफ्तारी देखिएगा, और मेरी रेसिपीज को ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी और किस तरह आप लोगों को और चीज़ें चाहिए। और मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, और आप लोगों की लाइक और कमेंट से मुझे काफ़ी जो है वो मुझे बहुत हौसला अफजाई मिलेगी, और मैं बहुत ज़्यादा आपकी हौसला अफजाई मुझे चाहिए, बिकॉज़ मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की हौसला अफजाई मुझे मिले। और मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जब मेरी वीडियोस जाती हैं, व्लॉग्स जाती हैं, और मेरे बड़े बेटे, मेरा बड़ा बेटा बहुत खुश होता है, और एक टाइम पे होता है कि क्या जरूरत नहीं है, इट्स ओके, आज नहीं कर लें, लेकिन जब वो खुश होता है तो उसके लिए फिर मैं व्लॉग्स
व्लॉग्स डालती हूँ क्योंकि वो सबसे पहले देखता है और उसे बहुत खुशी होती है कि मम्मा के व्लॉग्स जा रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि एक माँ के लिए तो उसके बच्चों में ही सारी खुशियाँ होती हैं। तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार बहुत यमी सी बनी थी और अभी भी देखकर मुझे जो है वो मुँह में पानी आ रहा है, लेकिन क्योंकि अभी रोज़ा रखा हुआ है तो ये देखिए ठंडी ठंडी चिल दूध दलारी निकली है और यकीन जाने बे इंतहा टेस्टी बनी थी। और दुआओं में याद रखिएगा, मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब मेरी वीडियोस को ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। उसको लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें फॉर नोटिफिकेशन।